दिवस छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 युगा अवतार गांधी। इस कविता के द्वारा कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की महानता का वर्णन किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी आवाज़ सुनकर लोग उनका अनुसरण करने लगे। ऐसे युग पुरुष के सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर भारत को अंग्रेजों की दास्ता में मुक्ति दिलाई। गुरु नानक देव ने कहा कि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गढ़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। धर्मांडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना रामराज। आत्महूति के मणिमाणिक से मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। पिस्ती कराहती जागती के प्राणों में भरते अभयदान। अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण। है शस्त्र अस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाग। रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर पर उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टू नो मोर अबाउट अस क्लिक www.saintxaverspublicschool.com। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। Tata all my friend, I see you again in next video. Bye bye.